प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं एवं मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ, सर्वप्रथम 73वें गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से आपको सपरिवार शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं मंच पे विशेष तौर पर इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि हमारे बीच में एक ऐसी कलाकार कह सकता हूं उनको मैं, जो अपने द्वारा बनाई गई एक कृति को, हमें नहीं मालूम वो कृति किसकी है, वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय को सप्रेम भेंट करना चाहती है। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए, साथ में प्रधानाचार्य जी को लेके आए और अपनी बनाई भी कृति को उनको सप्रेम भेंट करें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, थोड़ा तस्वीर का निर्माण कर दीजिए, जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत कीजिए। मैं दोनों लोगों का ले लेता हूँ। मैं इस बीच प्रधानाचार्य जी से कहूंगा कि इस कृति के बारे में आपके दिल में जो बातें हैं वो कुछ दो शब्द जरूर कहें। मैं कि आपकी तस्वीर कैसी लगी आपको? सर, माननीय प्रधानाचार्य जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया इस कृति के बारे में दो शब्द जरूर कहें अपने मन से। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, ओमकार जी। धन्यवाद रावत जी। सभी साथियों के सामने मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने विद्यालय के लिए कई टीचर्स की खोज की। जब मैं प्रधानाचार्य बना उस समय बहुत सारे टीचर्स आए, कई सब्जेक्ट्स के आए, और जो भी आए जो हमने चुने वो सब अपने आप में बेजोड़ है। और इसी क्रम में सीता मैम जब आई थी तो इनका जो कला और इनकी फाइल देखकर ही समझ गए थे कि इनके अंदर, इनके हाथ में एक अलग तरह का हुनर है। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया, जो चित्र बनाया मेरा ही बनाया था, इस बात के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चित्र बनाया है वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। हालांकि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन फोटो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये इनकी कलाकारी या जो इनके हाथ में जो जादू है, उस जादू का कमाल है कि ये चित्र कोई भी देख के पहचान सकता है और इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो इसके लिए मैं सीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।